सुन लीजिए जरा सा, और जितने शिक्षक है याद कर ले, और नहीं याद करेंगे तो हम बता देंगे उसको। आजकल तो बड़ा वेबसाइट हो गया, उसी पर डलवा देंगे उन लोगों का जो स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिएगा। 3 वर्षों में 2008 का स्टेटमेंट है, हम लोगों की सरकार का जो एनुअल डे मनाते थे जब सरकार का शपथ होता था उसका, तो 2008 में एक पुस्तिका का प्रकाशन किया था आजकल जो इनके पक्ष में बोलते थे। 3 वर्षों में प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में अयोग्य शिक्षकों का नियोजन कर शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। आप जान लीजिए, आंदोलन करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और आपके समर्थन में वक्तव्य देते हैं, वो आपको क्या आपकी उपाधि दिए थे, अयोग्य शिक्षक। अयोग्य शिक्षक, हमने नहीं कहा अयोग्य शिक्षक, हमने तो कहा कि कोई शिक्षक अयोग्य नहीं है, और हमने तो ये भी कह दिया था कि अरे इन लोगों का कोई टेस्ट लेना है तो ले लीजिए, और नॉर्मल में टेस्ट लीजिए, पूछिए बिहार की राजधानी कहां है, दिल्ली की राजधानी कहां। तो ये कौन किया, ये इन लोगों के हक में हम करते रहे और जो उनको अयोग्य करार देते, आजकल बड़ा नारा वारा लगाते हैं, बोलते हैं उनके पक्ष में, आजकल कहीं धरना पर बैठते हैं तो चले जाते हैं बहुत लोग, मुझको तो हंसी आती है। मैं कुछ बोलता नहीं, बस शिक्षक दिवस है इसलिए हम याद कराती है लोगों को, लेकिन हम इसके बाद भी कहेंगे आप कुछ भी करते हैं हमको कोई तकलीफ नहीं, हमको एक ही बात पर तकलीफ होगी, जब आप छात्र छात्राओं को पढ़ाइएगा नहीं, हमको एक ही बात से तकलीफ होगी, हमारी एक ही इच्छा है कि आप छात्र छात्राओं को खूब मन से और खूब अच्छे ढंग से पढ़ाइए और आपको जो मांग करना है करिए। और हम भी बता देते हैं, इस सब में मेरा विचार उदार रहता है, हमसे जितना संभव रहेगा हम करते रहेंगे, संभव है आपके मन में कोई बात हो वो न हो, हम उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, कहां कहां नहीं गए, क्या फैसला आ गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये भी जान लीजिए, कितना वकील रखे हुए थे सर्वोच्च न्यायालय में, कितना वकील थे, आदेश के जितने नामी गिरामी वकील थे सब बहस कर रहे थे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जरूर करना चाहिए, अपनी बात तो रखना ही चाहिए, लेकिन फैसला आ गया, सब चीज अपनी जगह पर है, लेकिन हम आगे भी ख्याल रखेंगे, इतना ही हम शिक्षक दिवस के अवसर पर बताएंगे, और जो मर्जी उतना कीजिए, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ कीजिएगा, हमारे सरकार के खिलाफ कीजिएगा, तभी ना मीडिया में पब्लिसिटी मिलेगी, खूब लीजिए पब्लिसिटी, हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पब्लिसिटी लीजिए हमको कोई दिक्कत नहीं, जो इच्छा करे वो कीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है, और करेंगे कुछ हम ही, ये भी जान लीजिए, और करेंगे समय पर, लेकिन जितना करना हो करते रहिए, लेकिन पढ़ाइए जरूर, देखिए अगर नहीं पढ़ाइएगा तब हमको तकलीफ हो, और वो तकलीफ होगी तो जान लीजिए हमारा तो समर्पण लोगों के प्रति है, हम तो बार बार कहते हैं कि लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, वही हमारा धर्म है लोगों की सेवा करना।